इश्की फकीरानी पीरों मुरीदानी इश्की वलियानी खुदा है खलील। वेलकम बैक फ्रेंड्स, आज का वीडियो काफी डिफरेंट है। डिफरेंट इसके लिए है क्योंकि ये ऑडियो लवर्स के लिए है और ये कार के ओनर मिस्टर नदीम भाई फ्रॉम कर्नाटका, आप चेकआउट कर सकते हैं, बहुत बड़े म्यूजिक लवर है। ये कार में एक उन्होंने हमें चैलेंज दिया था, वो भी सुनना कैसा। तन्वीर भाई, मुझे ये सीरीज के कंपोनेंट लगाने हैं और आपने मेरे पिछले कार्स में लगाए और मैं काफी सेटिस्फाइड हूँ। बोस का स्पीकर्स लगे हुए हैं लेकिन मैं उतना सेटिस्फाइड नहीं हूं। आगे आप चेकआउट कर सकते हो, ये 6 इंच के आते हैं, ये 5 इंचेस के आते हैं, ये बोस के हुंडई के लग के आते हैं लेकिन कस्टमर सेटिस्फाइड नहीं है। लेकिन एज अ रिस्पेक्ट बोस की, मुझे ऐसा नहीं करना था कि बोस आउट सोनी इन, नहीं, मुझे एक तरीके से कस्टमर को सेटिस्फाइड करना था और एक कस्टमर की डिमांड भी थी। तन्वीर भाई, मुझे स्पीकर पसंद नहीं है, मुझे हूफर जो ये पीछे लग के आता है मैं उससे सेटिस्फाइड नहीं हूं, तो उसे रिमूव कर दीजिए। मैं रिमूव नहीं करूंगा इसको, और लेकिन मुझे जो सेंटर स्पीकर्स हैं मुझे रिमूव नहीं करने थे। सेंटर स्पीकर बोस के रखे हैं, हूफर बोस का रखा हुआ है और एम्पलीफायर भी आप चेकआउट कर सकते हैं, हमने बोस का लगा है लेकिन स्पीकर्स हमने रिमूव करके हमने ES सीरीज के इंस्टॉल किए हैं। 2 एम्पलीफायर हमने इंस्टॉल किए हैं और ES सीरीज का हमने हूफर इंस्टॉल किया है। दोस्तों, एक बहुत बड़ा चैलेंज था। कैसा? ये नहीं है कि बोस का सब निकाल दिया और सोनी का सेटअप करना। प्लेयर को टेम्पर्ड नहीं करना था वायर, एम्पलीफायर को टेम्पर्ड नहीं करना था हमें, उसके बाद अपग्रेड करना था हमें सोनी ES सीरीज के साथ, 2 एम्पलीफायर के साथ बोस का सेंटर स्पीकर भी रखना है, बोस का हूफर भी रखना है। इसी के लिए बोलता हूं मेरे पास साउंड इंजीनियर से जो हमने ये चीज करके बताई हुई है, एक भी वायर टेम्पर्ड नहीं किया है। इसको मैं रिमूव भी कर सकता था, मैंने रिमूव नहीं किया और ये ऑन है, परफेक्टली चलता है। इन केस मैंने कस्टमर को बोला ES सीरीज के हूफर हमने लगाए, लेकिन कभी, वैसे तो लगेज के लिए थोड़ी सी जगह है लेकिन फिर भी आपको कभी कुछ रखना होगा, ये हूफर आप निकाल सकते हैं और आपका हूफर मैंने ऑन रखा हुआ है और कंपोनेंट GS4 से बजेंगे। लेकिन दोस्तों, आज मुझे खुद को अपने आप पे प्राउड हो रहा है, पूरी विग ऑटो की टीम पे प्राउड हो रहा है कि इस तरीके से हमने इंस्टॉल किया है, बिना कुछ रिमूव किए हुए, बिना कुछ टेम्पर किए हुए, मैं बोल सकता हूं बोस भी इन है और सोनी ES सीरीज के साथ हमने ये कार को अपग्रेड किया है। एज अ कस्टमर की जो डिमांड थी हमने पूरी उसी तरीके से की है। चारों हमने कंपोनेंट इंस्टॉल किए हैं, ES सीरीज का हूफर है, हाई रिस का GS4 एम्पलीफायर है और एक मोनोब्लॉक है। एक एक हमारी एम्पलीफायर की फिटमेंट भी आप दोस्तों चेकआउट कर सकते हैं। GS4 एम्पलीफायर है और मोनोब्लॉक है, ES सीरीज का हूफर है, बोस का जो हूफर है और सेंटर स्पीकर्स है। चारों डोर की आप कंपोनेंट की हमारी फिटमेंट चेकआउट कर सकते हैं दोस्तों। फ्रंट डोर की भी आप कंपोनेंट की फिटमेंट, डैम्पिंग किस तरीके से हम करते हैं, फिनिशिंग वर्क क्या है, कि इसी के लिए कस्टमर इतनी दूर दूर से हमारे पास आ रहे हैं क्वालिटी लेने के लिए। और ये एक बहुत बड़ा चैलेंज था जो हमने एक्सेप्ट किया है और जो इफेक्ट आ रहा है ना दोस्तों, मैं दिल से बोलता हूँ मजा आ गया। मैं बोल सकता हूँ सोनी ES सीरीज में मैंने जो पिछले वीडियो में बोला था क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए, क्वालिटी क्या चीज रहती है, क्योंकि जो ES सीरीज के कंपोनेंट है हाई रिस जो 3 साल की गारंटी के साथ आते हैं, वो एक नेक्स्ट लेवल आउटपुट के साथ है और रेडी होने के बाद इसकी आउटपुट मैं आपको जरूर सुनाऊंगा। सिस्टम इंस्टॉल हो चुका है, अब बारी है म्यूजिक सुनने की। सेंटर स्पीकर हमने बोस का ही रखा हुआ है और जो हूफर लग के आता है वो भी वो ही रखा हुआ है और एम्पलीफायर वो रख के हमने अपग्रेड किया हुआ है। और दोस्तों, ये वीडियो के बाद हर कोई भले बोस का सिस्टम लगा होगा, अपग्रेड तो इस तरीके से करेगा विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। आज कॉपीराइट आता है, आने दो, लेकिन रिक्वेस्ट है दोस्तों, आज का ये म्यूजिक इफेक्ट ऐसे मत सुनना, बिना हेडफोन के सुनना अलाउड ही नहीं है, मैं बोलूंगा प्लीज यूज योर हेडफोन्स।
इश्क नामे गारदा, इश्क नामे गारदा, इश्क नामे गारदा। इश्की फकीरानी पीरो मुरीदानी, इश्की वलियानी खुदाए खलीलानी। इश्क तिड़ा के मर्चा दफ्तरा बानी, कमलो मा गंजा कसी हस्ती डिजानी। इश्क नूर वा तरबा मिसरी चम्मानी, नबी इश्क चूकी तो। दोस्तों आज तो अलग अलग म्यूजिक सुनाएंगे आप लोगों को, कॉपीराइट आता है तो आने दो। मैं आज बोल सकता हूं, मैं फील कर रहा हूं कि ये चीज मैंने क्या लगाई है, द क्रिस्टल क्लियर। आज तो प्राउडली आप लोगों को बोलूंगा दिस इज क्रिस्टल क्लियर। जो मैंने बोला था, इन्वेस्ट इन द गुड क्वालिटी, इन्वेस्ट इन द गुड प्रोडक्ट, इन्वेस्ट इन द ब्रांड आप लोगों के सामने। और एक भी चीज मेड इन चाइना नहीं है दोस्तों, जो मैंने इंस्टॉल की है। Cook Studio. मैं बोल सकता हूं कि प्रॉपर एक एक चीज, वोकल ट्रेबल बेस परफेक्ट, दिस इज कॉल्ड क्वालिटी। लेकिन दोस्तों मैं थैंक यू दिल से नदीम भाई को बोलना चाहूंगा। आप देख सकते हैं नदीम भाई नहीं है। नदीम भाई ने एक ही बात मुझे फोन पे बोली थी, तनवीर भाई मैंने ES सीरीज में वापर रहा हूं, मुझे मालूम है क्या चीज है, अपने हिसाब से आप अपग्रेड कीजिए, मुझे क्वालिटी चाहिए। और मैं इतनी दूर से जो मैं गाड़ी भेज रहा हूं क्वालिटी के लिए, और मुझे क्वालिटी मिलने वाली है, तो मेरी ड्यूटी बनती थी ये चीज इनको करके देना, जो मैंने किया है। ये वीडियो आपको किस तरीके से लगा है दोस्तों, आज कमेंट करके मुझे जरूर बताना। ड्राइव सेफली एंड थैंक यू फ्रेंड्स वंस अगेन। जाते जाते और एक भी धमाका है दोस्तों, एलॉय ही हमने चेंज कर दिया है ये कार में। कस्टमर ने रिक्वायरमेंट थी कि ये एलॉय मुझे पसंद नहीं है जो एग्जिस्टिंग लग के आए हैं, तो चेंज इट जिसके लिए जाने जाते हैं वो काम किया है। और ये एलॉय अल्कज़ार में किस तरीके से लगे हैं मुझे ज़रूर बताना। और अल्कज़ार में लाइट की प्रॉब्लम है क्योंकि फोक लाइट में उतनी पावर नहीं है और सर की ड्राइविंग ज़्यादा है, तो हमने प्रोजेक्टर्स फोक लैम्प भी ये कार में इंस्टॉल किए विद द प्रॉपर ब्रैकेट।